Hello foodies, this is Sania Sheikh and welcome back to my channel Foodies Cooking Show. So, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ इलेक्ट्रिक बीटर. ये बहुत अच्छी कंपनी का है एंड मैं आज आपको इसका परफेक्ट रिव्यू देने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये इतना बड़ा पैकेज आया है, अब इसे हम पहले खोल लेते हैं. इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी हुई है एंड ऊपर से ही देख के लग रहा है कि ये अंदर से बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. तो ये है क्रीम बीटर. ये इससे मैंने क्रीम बनाई एंड ये बहुत अच्छे से मेरी क्रीम व्हिप्ड हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी, बिल्कुल थिक से बनी है. सो अब हम निकाल लेते हैं हमारा चुटकू सा इलेक्ट्रिक बीटर. इसकी क्वालिटी काफ़ी, वाकई में काफ़ी अच्छी है. साथ में मुझे मिला है फ्लावर नीडिंग करने वाला. सो पहले मैं ये यूज़ कर रही हूँ आटा गूंदने वाला जो मुझे साथ में मिला था. मैंने सोचा पहले इसे यूज़ कर लेती हूँ. तो यूज़ करके मैं आप लोग को इसका रिव्यू दे रही हूँ कि ये कैसा बना है. सो बाउल में थोड़ा सा आटा लिया है मैंने एंड थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसे मैंने नीड करना शुरू कर दिया. काफ़ी टाइम तक ये अच्छा आटा नीड कर रहा था, बट मुझे जहाँ तक लगता है तो ये डेली के यूज़ में यूज़ होने के लिए नहीं है. ये पिज़्ज़ा का डो बनाना है या ब्रेड बन, ये सब का डो बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है. बट ऐसे डेली के रोज़ के यूज़ के लिए, रोटी बनाने के लिए, आटा गूंदना, उसके लिए ये नहीं है. फिर भी मैंने थोड़ा सा आटा इससे नीड किया एंड ये काफ़ी अच्छा, बहुत सॉफ्ट सा नीड हुआ, बहुत अच्छा सा ये गूंदाया है. सो फाइनली जिसके लिए मैंने ये इलेक्ट्रिक बीटर मंगाया है, अब हम उसे ट्राई कर लेते हैं. मीन्स अब हम क्रीम व्हिप्ड कर लेते हैं एंड इससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम व्हिप्ड हो रही है. आप देख सकते हैं बिल्कुल थिक सी क्रीम बनकर रेडी हुई है. So hey guys, if you like this video, so give me a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. I post new video every week. Follow me on Instagram. Take care, bye bye. Thanks for watching.